जिनका रखवाला गुरु होता है उनका दिन खुशियों से शुरू होता है। गुरु जी कहते हैं, टेंशन ना कर, टेंशन छोड़ दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सबके साथ मैं सुमन आंटी एक बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग लेके आई हूँ। एक नहीं, आज अनेक सत्संग हैं, 3 सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। एक जोधपुर से आंटी जी ने भेजा है और 2 दिल्ली से हैं। तो 1 by 1 मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे सत्संग इकट्ठे हो जाते हैं तो मैं खुद भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कैसे शेयर करूँ। तो फिर मैं गुरुजी के ऊपर ही छोड़ देती हूँ कि गुरुजी आप ही बताएं कैसे कैसे सत्संग शेयर करने हैं, क्या टाइटल डालना है, क्या करना है। तो सब गुरुजी के इंट्यूशन से ही ये सत्संग आपके साथ शेयर हो जाते हैं और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग है ये। आप सबके ऊपर कृपा बरसेगी, सत्संग को पूरा सुनिएगा और जो भी मनोकामना के साथ आप सत्संग सुनेंगे गुरुजी आपकी अरदास जरूर पूरी करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और सत्संग को पूरा सुनने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा। संगत जी, सत्संग शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्या पता आपके माध्यम से गुरुजी किसका कल्याण कर दें, है ना। तो इसलिए सत्संग को सुनना है बहुत ही अति आवश्यक। और गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर लिख दीजिएगा। और आप करते हैं यदि गुरुजी से प्यार तो लिख दीजिए एक बार, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी बहुत बहुत बार संकेत दे चुके हैं, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। हर बार मैं सोचती हूँ, हाँ मैं नेक्स्ट टाइम जरूर जल्दी जल्दी करूँगी, बट हर बार ऐसा होता है कि गुरुजी को बहुत बार संकेत देने पड़ते हैं, फिर हम शुक्राना करते हैं। सॉरी गुरुजी, मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। नहीं करने का यही रीज़न था कि संगत जी मैं काफ़ी भूल भी जाती हूँ, सॉरी गुरुजी। और फिर मैं गुरुजी को बहुत रिक्वेस्ट करती हूँ, गुरुजी मैं शुक्राना कर रही हूँ बट आप प्लीज़ मेरे को वो सब याद दिलाइए, फिर बाद में मुझे बहुत पछतावा होता है कि मैंने ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, सॉरी गुरुजी। इसके लिए प्लीज़ आप अंग संग रहिए और हिम्मत दीजिए और सब याद दिलाइए गुरुजी। और गुरुजी ने अभी ये, मैं अभी अपना रिसेंट वाला बता रही हूँ। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू करो, यूँ तो जब हम गुरुजी से नहीं जुड़े थे तो भी मैं शिव जी की शरण में थी, मैं उनकी पूजा करती थी। मंडे मंडे को मैं और अंकल जी भी जाते थे शिव जी पे लोटी चढ़ाने। और जब मैंने शादी की थी 2000 में, और उसके बाद मैंने गुरुजी को बिफोर मैरिज भी, हर मंडे को मैं फास्ट रखती थी और बोलती थी कि गुरुजी मेरे को उनसे शादी करनी है जिनमें कोई भी हैबिट नहीं हो, मुझे हैबिट वाले लड़के बिल्कुल भी नहीं पसंद हैं। तो मेरी जिससे शादी हुई है उनको चाय की भी आदत नहीं है, कोई भी आदत नहीं थी। थैंक यू गुरुजी, हमेशा गुरुजी तो हमारे साथ ही रहे हैं संगत जी, बस हम ही उन्हें नहीं पहचान पाते थे। हम पूजा तो करते थे शिव जी की, बट अभी जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है तब लगा है कि हाँ ईश्वर तो हर पल हमारे साथ थे। और फिर उसके बाद शादी के 1.5 साल बाद, शादी के 10 महीने बाद मुझे गुरुजी ने बेटा ब्लेस किया था, वो भी गुरुजी की कृपा से हुआ था, थैंक यू गुरुजी। और उसके बेटे बॉर्न होने के बाद अंकल जी का जॉब चला गया था और वो 10 मंथ्स तक घर पे बैठे थे। मैं बहुत प्रे करती थी और बहुत डिप्रेस भी हो गई थी कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। बट वो 1.5 साल के बाद गुरुजी ने हमको दुकान दिलवाई और फिर अंकल जी ने वहाँ ऑटो पार्ट्स की दुकान खोली। तो फिर मेरे मन में वही आया कि शॉप का नाम हम शिव ऑटो पार्ट्स रखेंगे, तो मेरी शॉप का नाम शिव ऑटो पार्ट्स है जो गुरु जी की कृपा से ही खुली थी। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद
हमको जब गुरु जी ने फोर व्हीलर भी ब्लेस किया था तब भी मेरे मन में क्या आया था जो मैंने उसके पीछे शिव लिखवाया था। थैंक यू गुरु जी, हमेशा वो हमारे साथ ही होते हैं। और अभी जब गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा है अगस्त 2023 लास्ट वीक से, तब से तो एक अलग ही फील, एक अलग ही लाइफ का वो चल रहा है कि मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। वो तो मैं बार बार गुरु जी को देखती हूँ और आँखों में आंसू आता है, क्या गुरु जी ऐसा भी हो सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है, अरे ये कैसे हो रहा है। बहुत बहुत एक अलग फील, एक अद्भुत फीलिंग कि भाई गुरु जी हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे वो हमारी पल पल मदद करते हैं, कैसे वो हमारे हित में ही बोलते हैं कि जो हमारे लिए अच्छा है वही करेंगे। हम तो मूर्ख हैं, लालची हैं, माया मोह में फंसे हुए हैं, कुछ भी बोल देते हैं। गुरु जी तो मन का भी सुन लेते हैं, फिर समझाते हैं पुत्र मांगना नहीं है, मनना है, और हमेशा जो मैं देता हूँ वो तुम्हारे भले के लिए करता हूँ, और मैं उस समय का तुमको वो समय का इंतजार कर सिखाते हैं कि सब्र करना सीखो, और जब समय पे वो चीज़ मिलती है तो वो फॉरएवर के लिए होती है। बहुत सारे सत्संग के थ्रू गुरु जी ने हमें ये सिखाया है कि सब्र करना ही सबसे अच्छी बात है। और ब्लैक मैजिक के बारे में भी बहुत बताते हैं कि बहुत सारे ब्लैक मैजिक के भी मुझे सत्संग आते हैं और सुनाए हैं कि ये करते हैं, घर के ये मेंबर है, वो मेंबर है, वो तो खैर गुरु जी को सब पता है, हमको नहीं। मैंने नहीं कभी भी बोला गुरु जी से कि मुझे बताओ किसने किया है, हमेशा गुरु जी पे छोड़ दिया है, क्योंकि गुरु जी को सब पता है, वो अपने आप ही देख लेंगे। हमको हमेशा सिखाते हैं गुरु जी कि पुत्र आप लोगों को अपने कोई भी कर्म बुरे नहीं करने हैं, तुम लोग अपने कर्मों पर बहुत ध्यान दो। और अब तो हम गुरु जी की शरण में हैं, हमेशा मैंने गुरु जी से कहा है कि गुरु जी कुछ भी हम गलत करें तो प्लीज़ हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना, न बुरा बोलने देना, न बुरा सुनने देना, न बुरा देखने देना, गुरु जी प्लीज़ इतनी मेहर करना हमारे ऊपर। और फिर संगत जी, गुरु जी अभी शिवरात्रि के दिन ना मंदिर जाना था, तो मैंने अंकल को बोला है ना, 2-3 मंदिर हैं यहाँ पे शिव जी के, तो मैंने अंकल को बोला कि कौन से मंदिर में चलेंगे, तो बोला जहाँ चलना है बोलो, तो मैंने कहा इन तीनों में चलना है, बोला चलो। थैंक यू गुरु जी, हम तीनों में गए, और जो हम हर साल जिस बड़े मंदिर में, यानी वो अच्छा शिवालय है बड़ा, उधर जाते हैं, उधर माता रानी ने भी हमको ब्लेस किया एक फ्लावर से, उनके त्रिशूल में से फ्लावर गिरा और उन्होंने भी ब्लेस किया। थैंक यू गुरु जी, हमेशा गुरु जी कहते मैं और माता रानी मिल के तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारी रक्षा करेंगे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मैं वो मैसेजेस पढ़ती तो हूँ, बहुत दिल से समझ भी जाती हूँ, बट फिर मैं भूल भी जाती हूँ उन मैसेजेस को। और बस सब सत्संग के थ्रू यही गुरु जी समझाना चाहते हैं कि कर्म अच्छे करो और किसी से भी डरो मत, किसी भी बात से मत डरो। मैं बैठा हूँ और गुरु जी ने जब मेरे बेटे की इंटर्नशिप दिलाई थी तो अभी उसकी फर्स्ट पे आई थी, तो जब वो आई थी संगत जी, सच्ची में मैं वो बयान नहीं कर सकती हूँ फीलिंग कि वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और वो गुरु जी की वजह से आया। जब बेटे ने बताया कि मम्मी मुझे मेरी फर्स्ट पे मिली है, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, उस दिन गुरु जी का मैसेज आया था कि तो मैं तेरी 2-3 इच्छाएं पूरी करूँगा, और जो मैं किसी शॉप पे देखकर आई थी, मुझे शुगर है तो मैं हमेशा वहाँ पे देखती थी कि नुआ करके एक आते हैं सीड्स जो शुगर पेशेंट्स के लिए, लाइक नॉर्मली भी हर किसी के लिए वो बहुत अच्छा है, ग्लूटेन फ्री है, खाना चाहिए, बट वो उसके कॉस्ट देख के फिर मैं रख देती थी कि ठीक है बाद में लूँगी, बाद में लूँगी। तो बेटे ने बोला मम्मी क्या चाहिए, मैंने उसको बताया मेरे को ये वाला फ्लोर चाहिए, ये वाला सीड वाला, ये किनवा चाहिए, वो जाके सब लेकर आया मेरे लिए वो चीज़। तो वो जो था उस वक्त जो मोमेंट था, उसके लिए तो मैं गुरुजी का किसी भी जन्म में नहीं उतार सकती हूँ, उनका ऋण कभी नहीं उतार सकती हूँ। वो बहुत अच्छा फील करवाया, थैंक यू गुरुजी, मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, कभी भी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कब मेरा बेटा बड़ा हो गया और कब वो अपना फर्स्ट पे लेके और मेरी नीड, मेरी इच्छा पूरी की उसने गुरुजी के थ्रू। थैंक यू गुरुजी,
आपका अनंतम शुक्राना है संगत जी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी की मेरी लाइफ में, मैं भूल जाती हूँ। जब भी मैं घर में भी रहती हूँ तो ऐसा लगता है जय गुरु जी बोलती हूँ तो बहुत फील होता है, गुरु जी सुन रहे हैं। कबूतर आते हैं वो अपने टांग ऊपर करके ऐसे करके फैदर फैदर गिराते हैं, इतने सारे मुझे कहाँ कहाँ फैदर्स दिखते हैं जो मुझे वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स लगती हैं। मैं झाड़ू लगाती हूँ कभी दरवाजे के पीछे, कभी किधर, कभी किचन में नल के ऊपर, वहाँ तो कबूतर आते भी नहीं। ऐसी ऐसी जगहों से मिलते हैं जहाँ कबूतर आते भी नहीं हैं, वो सब मेरे गुरु जी ब्लेस करते हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी ब्लेसिंग्स गुरु जी देते हैं हमें। और मैं बाहर खड़ी रहती हूँ जय गुरु जी बोलती हूँ तो अचानक से बहुत सारे पक्षी उड़ने लगते हैं, चिड़ियाएँ, बहुत सारी ईगल, पैरट्स, सब लोग ऐसा नॉइज करते हैं एज इफ गुरु जी और मैं उस मोमेंट में हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो वेरी मच। मैं मंदिर में भी कई बार, मेरे घर के सामने ही शिवालय है, मैं कहती हूँ जय गुरु जी जब भी बोलती हूँ, सामने मंदिर की घंटी भी मुझे अपना हिलती हुई भी दिखाई देती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसे गुरु जी सुनते हैं, हर पल गुरु जी साथ होते हैं हर पल। आज भी गुरु जी ने नारायण अंकल का सत्संग अपने आप मेरे मोबाइल पे चलवा के मुझे उससे ब्लेस किया। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं गुरु जी आपकी मेरी लाइफ में। जब मैं अपने बेटे के साथ गाड़ी में बैठती थी, पहले मुझे बहुत एंग्जाइटी, बहुत डरती थी। अब जब गुरु जी साथ चलते हैं, संगत जी पूरे रास्ते पे फील करवाते हैं कि मैं साथ हूँ, मैं साथ हूँ। मुझे बटरफ्लाइज भी दिखती हैं, बहुत सारे कबूतर घड़ी घड़ी गाड़ी के वहाँ से दिखते हैं, उड़ते जाते हैं। हर पल फील होता है मुझे ना गुरु जी ने 777 से भी बहुत ब्लेस किया है। मुझे बहुत 7 नंबर की गाड़ियाँ दिखती हैं, 137 की दिखती हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरे साथ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। मुझे 777 की ब्लेसिंग के लिए भी जब मैसेज आया था संगत जी, रात को जब मैं सोने जा रही थी, मैं बालकनी में आई थी, तब अचानक से एक स्कूटर आया मेरी गली में और वो मेरे सामने से गया, तो उसके पीछे 777 था। मैंने जय गुरु जी बोला, शुक्राना गुरु जी, और वो बस थोड़ा ही आगे जाके मेरे घर के वहीं से टर्न लेके वापस मेरी गली से वापस चला गया, एज इफ गुरु जी ने उसे मुझे दिखाने के लिए ही भेजा है, मुझे ब्लेस करने के लिए। मुझे लिटरली ये फील हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए आया है यहाँ पे, मुझे 777 दिखा के और फिर वो चला गया। थैंक यू गुरु जी। बहुत बार मेरी गली से ऐसी गाड़ियाँ जाती हैं, ओम बना हुआ, श्री राम लिखा हुआ, त्रिशूल बना हुआ, महादेव लिखा हुआ, 777 777 444। एक बार गुरुजी ने सत्संग सुनवा के इंडिकेट किया कि मुझे भी सत्संग करना चाहिए और बताया कि हम, मैं और गुरुजी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम सबको बुलाएं या क्या, अगर सुविधाएं नहीं है तो कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली मैं और गुरुजी भी कर सकते हैं। ऐसा मुझे एक सत्संग सुनाया जिन्होंने गुरुजी के साथ किया था सत्संग, तो मैंने और गुरुजी ने उस दिन सत्संग किया। मैंने कहा था गुरुजी प्लीज आप आना उस सत्संग में, आप हर सत्संग में आते हो, इस सत्संग में भी आना। जब सत्संग हो रहा था तब मेरे घर के आगे आके गाड़ी खड़ी रही 444 की, जो इंडिकेट करती है 3 नंबर्स एक साथ गुरुजी बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, हम तीनों हैं। थैंक यू गुरुजी मुझे वो फील करवाने के लिए, आने के लिए। थैंक यू गुरुजी अपना लंगर खिलाने के लिए। हर बात के लिए मैं शुक्राना करती हूँ। जो बातें मैं भूल भी गई हूँ, जो ब्लेसिंग्स अभी मैं नहीं बोल पा रही हूँ, उसके लिए भी गुरुजी अनंतम शुक्राना है। हमेशा गुरुजी ने सिखाया है पुत्र, हमेशा सिखाया है कि मेरे साथ बैठ के बातें करो, बातें करो, बातें करो। बस उसके लिए ही हिम्मत मांगती रहती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी मुझे आपकी और संगत की तरह मुझे भी वो हिम्मत आए कि मैं 1-to-1। यूँ तो मैं बहुत बातें करती हूँ मन में गुरुजी से, बट स्वरूप के सामने बैठ के इतना ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो तो जाननहार हैं, उनको सब पता है, बिन बोलिया सब कुछ जानदा। पर फिर भी गुरुजी सत्संग के थ्रू बताते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, कुछ मांगिए नहीं, बट हमें उन्हें बता के रात को सोना चाहिए, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ।
गुरु जी सब सुनते हैं, संगत जी सुनते तो सब हैं, देखते सब हैं, सब हमारी काफ़ी बातें भी हमारी मानते हैं, जो हमारे हित में होती है वो जरूर मानते हैं, जरूर। हम बहुत, मैंने तो पता नहीं क्या कौन से कर्म किए जो गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है और ऐसा फील करवा रहे हैं, खुद साक्षात भगवान हमारे साथ हर पल रहते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल साथ देने का गुरु जी। मुझे मेरे मोबाइल पे अपने आप सांप के वीडियोस आने लग गए, नाग और नागिन बहुत सारे ऐसे दिखाने लग गए गुरु जी, नाग नागिन के। कहते हैं पुत्र मैं तेरे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। कितनी बार मैसेजेस आए हैं कि मैंने तेरे बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लिए, मैंने तेरे को न्यू लाइफ दी है। ये संगत जी उन्होंने मुझे दी है, उन्होंने मेरे बहुत बड़े कष्ट अपने ऊपर लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो वेरी मच, अनंतम अनंतम। ये थैंक यू और शुक्राना तो बहुत छोटा है, जो बोलते हुए भी मुझे शर्म आती है कि मैं सिर्फ शुक्राना ही बोल पाती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। और बट हम कितने भी जन्म ले लें गुरु जी, तो भी हम आपके नहीं ऋण उतार सकते हैं। शुक्राना गुरु जी हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, शुक्राना 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 गुरु जी। गुरु जी ने मुझे जब अमृत वेला भी बख्शा था, तब मैं अमृत वेले के लिए उठती तो थी, दो तीन बार ऐसा हो रहा था कि पढ़ते पढ़ते ही मेरी आंखें बंद हो रही थी। एक बार दो बार मेरे हाथ से सुखमनी भी गिर गई थी, उसके लिए भी मैंने बहुत माफ़ी मांगी थी। गुरु जी का मैसेज आया था, पुत्र मेरा अनादर नहीं कर, सॉरी गुरु जी सॉरी। और फिर उसके बाद गुरु जी का सत्संग भी आया था कि हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ये मौका दे रहे हैं गुरुजी, हम अमृत वेला कर सकते हैं। जिनको जो पूरे असेंबल नहीं है, किसी को आंख नहीं है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई देख नहीं सकता है, उनको कितनी मुशक्कत करनी पड़ती है सत्संग सुनने के लिए, देखने के लिए, बोलने के लिए, और हम ये सब इजीली कर सकते हैं। उसके बाद भी हमें उस टाइम की और उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, ये भी गुरुजी ने समझाया है। और गुरुजी फोर्स भी नहीं करते हैं, वो भी हमारे ऊपर छोड़ देते हैं कि पुत्र हम तो, गुरुजी तो हमको गाइड करते हैं, बाकी हमारी आगे हमारी मर्जी है। थैंक यू गुरुजी, इसी तरह हमें गाइड करते रहना, हमें समझाते रहना सत्संग के थ्रू। और गुरुजी ने सत्संग के थ्रू भी बताया था कि जब गुरु नानक देव जी भी ब्लेस करते हैं तब हमें सरदार दिखते हैं। मैं कहूँ मेरे को क्यों दो दिन से सरदार सरदार जी दिख रहे हैं। फिर गुरु जी का सत्संग आया कि गुरु नानक देव जी ने किसी को ब्लेस किया था तो उनको भी सरदार दिख रहे थे। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू गुरु जी। और बहुत सारा गुरु जी ब्लेस करते हैं। अभी मेरे बेटे का 8th को बर्थडे था, मेरे अंकल जी का था, दोनों का एक साथ आता है, तब भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से, हम लोग रात को डिनर पे गए एक न्यू होटल में, मेरा बेटा लेके चलना, बहुत अच्छा था वो भी। और एंटर होते इतने बड़े गणेश जी थे वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा, बहुत। ये सब हर मोमेंट में गुरुजी फील करवाते हैं कि सब वो कर रहे हैं, सब वो कर रहे हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो वेरी मच। बेटे ने अपने फादर के लिए एक फुटवेयर मंगाया, मेरे लिए मंगाया, बहुत प्राउड फील हुआ गुरुजी, बहुत प्राउड फील हुआ। आपने अपने बच्चे को इस लायक बनाया गुरुजी, थैंक यू। वो बच्चा आपका ही है, आपके ही हाथों में है गुरुजी, आपको ही उसकी लाइफ डिसाइड करनी है गुरुजी। बस सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। हमेशा गुरुजी समझाते हैं कि अपने लिए नहीं, औरों के लिए प्रे करो, औरों के लिए प्रे करो। बहुत मुझे इतने अक्ल नहीं थी, ये अक्ल गुरुजी ने दिए। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जो मैं अमृत वेला करती हूँ उसके बदले में जितने भी बीमार बच्चे हैं धरती पे, जिनकी वजह से उनके माँ बाप बहुत परेशान है, प्लीज़ गुरुजी उनको ब्लेस कीजिए, बच्चों को ब्लेस कीजिए प्लीज़ गुरुजी। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, नेक्स्ट डे मेरे को वही सत्संग आ रहे थे कि हमारी प्रेयर्स की वजह से कितने सारे बच्चों की को रिलीफ किया,
कितने सारे बच्चे बीमार थे, हम प्रे करते हैं उनके लिए। तो बहुत गुरु जी ने बताया कि कितने सारे सत्संग सुना के बताया, कितनी माएँ परेशान थी अपने बच्चों की वजह से, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां थी उनको, हमें कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। और मैं बहुत उस दिन रो रही थी, मैंने कहा गुरु जी हम मूर्ख सिर्फ अपने लिए मांगते रहते हैं, और दुनिया में कितने दुखी हैं, कितने लोग बेबस हैं, लाचार हैं, और हमें उनके लिए मांगना चाहिए, हमेशा हमें औरों के लिए मांगना चाहिए। गुरु जी कहते हैं आपके प्रॉब्लम्स खुद सॉर्ट आउट हो जाएंगे। थैंक यू गुरु जी हमें ये सिखाने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच गुरु जी। और हमेशा गुरु जी बच्चों पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें बख्शना गुरु जी, बच्चों को बख्श दो गुरु जी। उनकी वजह से उनके माँ बाप भी बहुत दुखी होते हैं गुरुदेव, प्लीज़ उनके कष्टों को जल्दी जल्दी काट के सब बच्चों को सेहत बख्श दो गुरु जी। प्लीज़ दया करना गुरुदेव, दया करो। और बहुत बहुत संगत जी, मैं गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ, आई लव यू गुरु जी, बहुत प्यार करती हूँ मन ही मन में। मेरा बोलने का नेचर कम है, बोल कम पाती हूँ, सोचती कुछ और हूँ, बोलती कुछ और हूँ, पर मन में बहुत गुरु जी से बहुत प्यार करती हूँ। और मुझे विश्वास है गुरु जी मेरे को जरूर दर्शन देंगे। और अब हर संगत का मैं सुनती हूँ, ड्रीम दर्शन उनको दिया, ड्रीम दर्शन दिया, गुरु जी मुझे भी ड्रीम दर्शन देंगे। यूँ तो गुरु जी बहुत दर्शन देते हैं, तितली रूप में, पैरट्स जी जी करते हैं, और कबूतर आते हैं ब्लेस करते हैं। जब भी मैं डॉग्स को खाना डालती हूँ या यूं ही मैं बलकनी में खड़ी होती हूँ, तो भी डॉग्स भी अपना लेग ऊपर करके ऐसे ऐसे से शरीर पे खुजली करते हैं, ऐसा लगता है जैसे गुरु जी ब्लेस कर रहे हैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुदेव। आपके चरणों में, श्री कमल चरणों में गुरु जी मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुदेव। अंग संग रहना गुरु जी, हमें सिखाते रहना, हमें अच्छा इंसान बनाना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी हमें ये सब सिखाने के लिए और इतना ब्लेस करने के लिए, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना। जो मैं कुछ भूल भी गई हूँ तो मुझे माफ़ करना, पर हर वो ब्लेसिंग्स के लिए मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी, जो आपने मेरे को इस अभी इतनी मंथ्स की जर्नी में कितना कुछ फील करवाया है गुरु जी, जो मैंने लाइफ में कभी भी नहीं फील करवाया। इतनी खुशी अंदर से, मेरी आत्मा खुश हो जाती है जब भी हमारी कोई विश पूरी होती है, या गुरु जी हमारे अंग संग रहते हैं, या हम उनके शब्द सुनते हैं, उनके सत्संग सुनते हैं, बहुत गुड फील होता है। थैंक यू गुरु जी हमें ये सब सिखाने के लिए, हमारे साथ रहने के लिए। यूं ही गुरु जी सारी संगत के साथ रहिए, हमें कोई गलती हो तो हमें बताते रहिए गुरु जी, अपना हाथ हमारे सिर पर हमेशा बनाए रखिए, और हमारी प्रेयर्स में भी हमेशा रहना गुरु जी। धरती पर जितने भी दुखी लोग हैं, प्लीज गुरु जी सबकी मदद किया करो, सबके कर्म कटवा दो गुरु जी, सबको लाइफ ब्लेस करो। थैंक यू गुरु जी मेरे को लाइफ इतनी बार ब्लेस करने के लिए, शुक्राना गुरु जी मेरे बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मेरे रब्बा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरुदेव, शुक्राना करती हूँ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी और फिर सत्संग को अपने विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू सो वेरी मच, थैंक यू गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हुए हम सब मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मैं अपना सत्संग आपको बताना चाहूँगी कि गुरुजी मेरे को 2-3 हफ्ते हो गए हैं, तो गुरुजी मुझे बार बार मैसेज के थ्रू यूट्यूब पे मैसेज कर रहे थे कि बड़ा सत्संग की तैयारी कर, बड़ा सत्संग की तैयारी कर। मैं समझ ही नहीं पा रही थी
तो मैं सोच रही थी कैसे सत्संग करूं, कैसे सत्संग करूं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। बड़ा तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मुझे पता है कि शुक्राना करने को ही सत्संग कहा जाता है, लेकिन इतना कुछ ऐसा कुछ बड़ा हुआ नहीं था। हाँ, छोटे छोटे सत्संग बहुत होते हैं, गुरुजी मेरे पे कृपा करते हैं छोटी छोटी चीज़ों में, जहाँ मुझे दिक्कत परेशानी होती है मैं बोलती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी मेरी रक्षा करो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ी देर बाद ही हैंड टू हैंड सब कुछ ठीक हो जाता है। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है इस चीज़ में। तो अब बड़ा सत्संग के लिए गुरुजी ने जब मुझे मैसेज बार बार आ रहा था, तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं अपनी मम्मी के घर गई थी, और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बड़ा मेरे साथ क्या हुआ और गुरुजी मुझे क्यों बार बार ये फ्लैश कर रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर, बहुत बड़ा सत्संग की तैयारी कर। तो जब मैं मम्मी के घर गई, तो मेरी आज से तकरीबन मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, मेरी शादी को तकरीबन 16 साल हो चुके हैं। तो मेरी जो फ्रेंड थी, मतलब बहुत नज़दीक जिसे कहते हैं नज़दीकी फ्रेंड थी, वो मेरे से छूटे हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड उन्हें पसंद नहीं करते थे। तो इस कारण ना तो मैं उससे बात कर पा रही थी, और ना ही मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर था, ना ही मैं उससे मिल पा रही थी। 15-16 साल हो चुके थे। तो फिर मेरे को जब ये मैसेज आ रहा था, तो मैं समझ तो पा नहीं रही थी, लेकिन हाँ, मम्मी के घर गई थी, तो मम्मी के घर से आते हुए मैं और मेरा बेटा, मतलब हाँ, मैं और मेरा बेटा और हम आ रहे थे। तो हमने सोचा कि मेट्रो से चलते हैं, तो बेटा कहने लगा, नहीं मम्मी ऑटो करते हैं। मैंने कहा, नहीं बेटा मेट्रो से चलते हैं। तो मेट्रो के लिए हमने रिक्शा पकड़ा, तकरीबन 10-15 मिनट की दूरी पर होगा। तो वहाँ पर हम जाम में फंस गए। अब जाम में फंस गए तो तकरीबन 10 मिनट हमारे 15 मिनट और ख़राब हो गए, मतलब 15 मिनट का रास्ता आधा घंटा बन गया। और फिर जब हम वहाँ से मेट्रो पकड़ी हमने रिक्शे से उतर के, तो पता नहीं गुरुजी की माया, तो गुरुजी ही जाने। तो मैंने मेट्रो पकड़ी और मैं मेट्रो में चढ़ी, जब बैठी तो देखा तो मेरी फ्रेंड सामने थी बिल्कुल। अब मैं उसे बड़ी गौर से देखूं, वो मुझे बड़ी गौर से देखे, उन्होंने मुझे पहचान लिया था, पर मैं थोड़ा गौर कर रही थी क्योंकि थोड़ा चेंज थोड़ा आ ही जाता है 15-16 साल में, तो मैं मतलब पहचान नहीं पा रही थी बस। तो फिर जब उनकी मम्मी और वो दोनों साथ थी मेरी फ्रेंड, तो आंटी उठकर आई सबसे पहले मेरे पास। तो आंटी ने मुझे खड़े हुए के पास से देखा, तो मैंने आंटी को नमस्ते की, तो आंटी ने मुझे खूब प्यार किया, गले से लगाया। तो मेरी फ्रेंड ने भी मतलब मुझे मतलब काफ़ी खुशी हुई, मिले हम आपस में, बातचीत तो नहीं करी क्योंकि मेरा बेटा तो जानता नहीं था। तो मुझे ये भी डर था कि कहीं ये पापा को बताया कि पापा मम्मी की फ्रेंड मिली थी, इस कारण मैं ज़्यादा बात नहीं की, पर मुझे बहुत खुशी हुई। तब मुझे आके ये समझ आया कि गुरुजी मुझे बार बार ये मैसेज दे रहे थे कि बड़ा शुक्राना सत्संग की तैयारी कर, बड़ा सत्संग की तैयारी कर। अब मुझे समझ आया, गुरुजी की महिमा अपरंपार है, गुरुजी की लीला अपरंपार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, संगत जी बहुत बहुत लख लख शुक्राना, मैं बता नहीं सकती, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। तो गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, जो हमारा इतने इतने सालों पुराना सब छूटा होता है वो भी दे देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास और शब्द नहीं है संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम नितिका है और मैं दिल्ली से हूँ, और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी की आज्ञा से शेयर कर रही हूँ। मैं ये अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरुआत करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने बहुत बहुत कृपा करी है, बहुत ब्लेस करा है मुझे, और गुरुजी ने मुझे महाशिवरात्रि में अपने बड़े मंदिर में बुलाया
कितने टाइम से मैं सोच रही थी महाशिवरात्रि का वेट करती थी कि गुरु जी के बड़े मंदिर जाऊंगी महाशिवरात्रि में, और गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुला ही लिया और गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस करा। एक्चुअली मुझे 6 तारीख से ही गुरु जी का मैसेज आया था गुरु जी का कि मैं तुम्हें 3 दिन बहुत ब्लेस करूँगा, 6, 7 और 8 को। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स का भी मैसेज आता है, गुरु जी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स भी मुझे देंगे। उनका मैसेज भी हमेशा आता है कि 7 नंबर की अनंत ब्लेसिंग मेरी तुम्हारे पास है। और 6 तारीख को भी जब मेरी तबीयत सही नहीं थी, मुझे वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी और वीकनेस भी लग रही थी, काफ़ी फीवर सा लग रहा था, अब वेदर चेंज की वजह से शायद हुआ था, खांसी भी हो रही थी, तो इतना तो नहीं था। फिर भी मंत्र जाप मैं करती रहती थी गुरु जी का हमेशा ही, जब भी मेरी तबीयत ख़राब होती थी मैं मंत्र जाप करने लग जाती हूँ गुरु जी का, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी रिलैक्स मिलता है। तो अगर मैं नहीं भी उसमें मेरे को वीकनेस लग रही थी तो मैं डायरेक्ट फ़ोन पे स्पीकर पे ही मंत्र जाप चला लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर भी मैं तो मेरे को ठीक लगा तो मैं ऑफ़िस गई, बट फिर भी अंदर से मेरे को तबीयत तो सही नहीं लगी थी पूरी, फिर भी मैं ऑफ़िस गई। और उस दिन मेरे को इतनी सारी अलग अलग कलर्स की बटरफ्लाई दिखी थी, ब्राउन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज और मल्टी कलर्ड जो डॉट्स वाली बटरफ्लाइज वो सब भी दिखी थी मुझे। तो शुक्राना गुरुजी जो आपने मुझे इतने अलग अलग तरह की बटरफ्लाइज दिखाई उस दिन, तो पहली बार इतनी सारी बटरफ्लाई एक साथ दिखी थी, उससे पहले तो कभी कभी दिखी थी येलो कलर की बटरफ्लाई या फिर वो मल्टी कलर डॉट्स वाली ऑरेंज और वाइट डॉट्स वाली, बट इस बार तो अलग अलग कलर की ब्लैक, ब्राउन, सब तरह की, येलो भी और ये फिर वो डॉट्स वाली जो है वो तो दिखी थी, सब दिखी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी जो आप मेरे इतने कष्ट काट रहे हो गुरुजी और मेरी तबीयत भी सही कर रहे हो। उस दिन महाशिवरात्रि के दिन भी गुरुजी ने बुलाया और मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, माथा टेका और लंगर प्रसाद भी खाया था गुरुजी का। तो गुरुजी के लंगर प्रसाद खाने के बाद मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा, उस दिन मैं चल भी काफ़ी मुश्किल से पा रही थी, मतलब मेरा ज़्यादा बात करने का भी मन नहीं कर रहा था, बहुत ज़्यादा एसिडिटी सी लग रही थी, कुछ अजीब सा ही लग रहा था पेट में और दर्द हो रहा था पेट में काफ़ी ज़्यादा। बट उसके बाद फिर मैंने रात मतलब लंगर प्रसाद खाने के बाद मेरे को वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, जब मैं घर पहुंची तो मेरे को वॉमिटिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, काफ़ी सही लगा मुझे, लेकिन मेरे को लूज मोशन हो रहे थे थोड़े, तो फिर मैंने टैबलेट खाई थी लूज मोशन की, तो टैबलेट खाई थी फिर मैं सो गई थी और सुबह भी मैंने टैबलेट खाई थी और सुबह शाम तक खाई थी, फिर मेरा बिल्कुल ही ठीक हो गया, मेरा बिल्कुल ही पेट नॉर्मल हो गया और कोई दर्द नहीं हो रहा था, सब कुछ सही हो गया गुरुजी की कृपा से। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर ही बुलाया और इतना ब्लेस करा गुरुजी ने, मेरी तबीयत भी सही करी। ओ मेरे इतने कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, हर पल साथ रहते हैं गुरुजी, हर पल मेरे साथ हैं गुरुजी, का मैसेज आता है कि हुन अब खुश हो जा। तो मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ जो गुरुजी हमेशा पल पल मेरा साथ देते हैं, हमेशा बताते हैं संभल के रही इस टाइम जो भी कुछ प्रॉब्लम होनी होती है, किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ हिंट देते हैं गुरुजी, हमेशा कृपा करते हैं। और मेरे पता नहीं कितने सारे कष्ट काटे हैं गुरुजी ने जो मैं बता भी नहीं सकती, शायद गुरुजी ने मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। और उनके सत्संग जब भी सुनती हूँ गुरुजी के सत्संग, चाहे ऑफिस में सुनूँ चाहे कहीं भी सुनूँ या जब मैं कहीं भी रहती हूँ, घर भी गई थी अपने, तो मैं जब अपने घर भी गई थी तो रास्ते में भी मुझे गुरुजी की गाड़ी दिखी थी, कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी की गाड़ी भी दिख जाती है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना बड़े मंदिर तो मैं जब मैं गई थी तो भी मुझे गुरुजी गाड़ी तो खैर दिखी थी, ऐसे भी रास्ते में कहीं ना कहीं मुझे गुरुजी गाड़ी दिखी जाती है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना हमेशा साथ रहने का, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने बड़े मंदिर बुलाया उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, मेरी तबीयत सही करी उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो हर पल साथ रह रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुजी, जो खुशी दे रहे हो मेरे को उसका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ संगत जी की आज भी
जब मैं खाना बना रही थी, क्योंकि आज मेड आई नहीं मेरी, सॉरी कल आई नहीं थी मेड मेरी, तो फिर खाना मैंने ही बनाया था। तो मैं मंत्र जाप भी बीच बीच में कर लेती हूँ, जैसे मेरा मन करा तो मंत्र जाप भी कर लेती हूँ। खाना वाला टाइम तो मैं कर रही थी, तो और बीच में फिर रुक भी जाती हूँ और कभी कर लेती हूँ। तो जब मैं कल पराठे बना रही थी, तो फिर अचानक से ऐसा लगा कि जैसे ऊपर से कुछ गिरा मेरे पैर पे, और पर मैंने देखा तो ऐसा कुछ था नहीं नीचे। तो ये गुरुजी की कृपा ही है, सॉरी गुरुजी की कृपा है, जो गुरुजी मुझे इतना ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, जो आप अपने चमत्कार दिखा रहे हैं। और उसी टाइम जब मैं खाना बना रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे नाक के पास पानी है, तो मैं हाथ से पोंछ रही थी, बट मुझे समझ में नहीं आया कि पानी कहाँ से आया, क्योंकि मेरे हाथ तो गीले नहीं थे, सूखे थे। तो मुझे समझ में नहीं आया नाक के पास पानी कहाँ से आया। ये सब कुछ बनाते बनाते टाइम ही मैं सोच रही थी, सब पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, ऐसा करता जैसे गुरुजी साथ ही हैं उस टाइम भी। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, जो आप इतनी कृपा कर रहे हो मुझ पर, हमेशा ब्लेस कर रहे हो। सत्संग भी सुना था मैंने कल, तो भी मुझे ऐसा लग रहा था कि कल तो पूरे दिन गुरुजी साथ में ही थे, और पूरे रूप में साथ ही थे। हवा में भी कुछ काला सा दिखा और गायब हो गया। हर पल जैसे लगता है कि हर जगह वो प्रेजेंट है। गुरुजी हमेशा साथ देते हैं, हर चीज़ में प्रेजेंस दिखाते हैं। सत्संग सुन ले तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी कुछ काला सा कुछ गया सामने से, और हवा में भी कुछ काला सा डॉट सा दिखता है, गायब हो जाता है। कुछ चमकीली सी लाइट दिखती है, वाइट लाइट टाइप कहीं पे दिखती है, फिर गायब हो जाती है। तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं और इतनी कृपा करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, इतने सारे सत्संग हैं, मैं क्या बताऊँ, मुझे समझ नहीं आता, मैं खुद ही भूल जाती हूँ क्या कौन कौन से सत्संग बोलूँ। हमेशा गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते ही है, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर पे हो, चाहे कहीं पे भी हूँ। और गुरुजी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। आज भी कल जब मैं सुन रही थी एक सत्संग, तो उसमें गुरुजी का स्वरूप भी था और शिव जी का भी स्वरूप साइड में था। तो जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो शिव जी के स्वरूप में अचानक से मुझे उनका आईज है और लिप्स वगैरह सब में लाइट्स आ रही थी। आईज से भी ऐसा लग रहा लाइट्स निकल रही थी बीच बीच में, और लिप्स पे भी लाइट आ रही थी बीच बीच में। कभी आंखें ऐसा लगा था कि खुली, ये लाइट्स लगी थी कि लाइट आ रही है आँख से। उनके चेहरे पे, पूरे चेहरे पे कुछ ना कुछ हो ही रहा था, कभी कुछ काला सा दिख रहा था, कभी लाइट आ रही थी। तो गुरुजी पता नहीं मेरे कौन से कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, जितने भी आपने मुझे ब्लेसिंग्स दी, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुजी हमेशा साथ दे रहे हैं और बहुत बहुत साथ दे रहे हैं, और पता नहीं कितने कष्ट काट रहे हैं। मेरी लाइफ भी अब आगे बढ़ रही है गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की बहुत कृपा है। सब कुछ अच्छा हो रहा है लाइफ में, सब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, सब गुरुजी की कृपा है जो मेरे कष्ट काट रहे हैं गुरुजी, और मेरे को लाइफ आगे बढ़ा रहे हैं। और भी मैं अब गुरुजी का मंत्र जाप से ये सत्संग विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और मुझसे कोई गलती हो गई हो गुरुजी, संगत जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये मैं शुक्राना सत्संग काफ़ी बार शेयर कर चुकी हूँ, बट गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं तो मैं कभी भूल जाती हूँ कुछ बताना, अगर भूल गई हूँ तो उसके लिए भी माफ़ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।